लोहरदगा में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से जिले में मनाया जाए, इसको लेकर जिले के एसपी आर रामकुमार ने सारी तैयारी कर ली है। लोहरदगा जिले को 5 जोन में बांटकर ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से शहर से लेकर गांव तक की निगरानी की जा रही है। बांटे गए 5 जोन में डीएसपी रैंक के अधिकारियों को निगरानी में रखा गया है। बताते चले कि रामनवमी के दिन हिरही गांव में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद ईद को लेकर जिले के सभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। इसको लेकर रांची रेंज के डीआईजी अनीश गुप्ता ने भी लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले के एसपी और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए थे। एसपी आर रामकुमार ने आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाने की अपील की है, साथ ही ईद के मौके पर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ईद का प्रिपरेशन में हम ये बताना चाह रहे हैं, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जोन्स वाइज डिफरेंट जोन्स है, उसमें एक एक जोन को डीएसपी और उसके साथ एक मजिस्ट्रेट उसको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को हैंडल दिया है। सो टोटल 5 जोन्स है, उसमें हर एक जोन में डीएसपी है और एक मजिस्ट्रेट भी है और उनके साथ भी QRT रहेगा। और फोर्स डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो हम डिफरेंट जोन्स में QRTs, स्टैटिक पार्टीज और पेट्रोलिंग पार्टीज को रखा है, मतलब कंटिन्यूस सर्वेलेंस में रहेगा। और हम मतलब इंटेलिजेंस वगैरह के लिए हम लोग का सोर्सेस भी इधर उधर मतलब प्लेस किया हुआ है। और बाकी शांति समिति मीटिंग्स हुआ है, जिला लेवल का शांति समिति हुआ है और इस बार विलेज लेवल भी का शांति समिति मीटिंग हुआ है। थाना का शांति समिति तो होता ही है, बट हम लोग इस बार विलेज लेवल भी शांति समिति को गठन करके उसमें विलेज लेवल का शांति समिति मीटिंग। और पब्लिक से यही अपील है, लाइक शांतिपूर्ण वातावरण से इस ईद को अच्छा से मनाना है और सभी ईद मुबारक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।